स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 6, 7, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 4। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है क्वेश्चन है, तो इसमें से ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 9 और डी है 4। तो कुल संयुक्त स्वरों की संख्या जो है 4। कुल अगर पूछा जाए कुल संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है तो वो भी 4 ही हो। पांचवा क्वेश्चन है, आ प्लस कू से किस संयुक्त स्वर का निर्माण होता है? आ प्लस ऊ से किस संयुक्त स्वर का निर्माण होता है? ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है ओ, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है ए। तो पांचवा क्वेश्चन है, आपने सूत्र किस संयुक्त स्वर का निर्माण होता है? आपका पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है ओ, तीसरा है औ, चौथा है ऐ। तो पहले मैंने चर्चा की थी, बताया था या प्लस ऊ से निर्माण जो होगा वो कौन सा स्वर बनेगा, ई वाला आपका ऑप्शन सही है ओ। आ प्लस ऊ से ओ का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 9। दूसरा क्वेश्चन है, मोल व्यंजनों की संख्या
कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है 27, सी ऑप्शन है 33 और फोर ऑप्शन है डी ऑप्शन 42। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न लिखित में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? ऑप्शन है बी ऑप्शन है का, सी ऑप्शन है क्या सी ऑप्शन है ना और डी ऑप्शन है ना। अगला क्वेश्चन है, पहला और दूसरा वर्ण किससे संबंधित है? ऑप्शन है अघोष, सेकेंड ऑप्शन है सघोष, और ये ऑप्शन है पंठ, फिर ऑप्शन है ये ऑप्शन है मोर्था। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवे क्वेश्चन में स वर्ण का निर्माण किन नाड़ों से मिलकर हुआ है? छठा क्वेश्चन है, रेल का उच्चारण
स्थान क्या है? तो पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा है तालु और तीसरा ऑप्शन है अंतस्थ। और डी चौथा ऑप्शन है मूर्धा। तो पहले हम इन क्वेश्चनों पे चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपका ए 4, बी 6, सी 8, डी 9। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 4। और वो 4 कौन से हैं? स, स, ग्य और ष। ये जो है संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। इसमें स, त, ग्य और ष ये 4 है। अगर इनमें से पूछा जाए मुख्य रूप से कितने हैं आते हैं मुख्य श्रेणी में, तो आप 3 करोगे, 4, 11 टोटल पूछा जाता है और ऑप्शन आपका 4 है, 3 नहीं है, तो वहां पर आप 4 करोगे। तो पहला क्वेश्चन आपका उसका आंसर ए सही है ऑप्शन। दूसरा है मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजन जो है वो कितने हैं? तो ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन 25, बी ऑप्शन 27, सी ऑप्शन 35, डी ऑप्शन 42, 42। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही होगा 33, 33 आपका ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्पप्राण है? तो ए ऑप्शन है ड, फिर है बी ऑप्शन का, सी ऑप्शन न, डी ऑप्शन ण। तो यहां पर आपका अल्पप्राण जो है बी ऑप्शन सही होगा का। अल्पप्राण का मतलब है कम वायु उच्चारण करने में निकलती है, तो क, तो का में कोई ज्यादा बल नहीं लगा और उच्चारण हो गया। तो वैसे भी कोड भी बताया था अल्पप्राण का, अल्पप्राण 135 मतलब पंचम वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो लेटर आएगा हर वर्ग का वो हमारा अल्पप्राण होगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, पहला और दूसरा वर्ण किससे संबंधित है? इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है 12 जो कोड, अगर नंबर पूछ दिया जाए 12 कोड किससे संबंधित है, तो पहला और दूसरा तो 12 हो गया। तो पहला और दूसरा वर्ण किससे संबंधित है यहाँ पर दिया गया है अघोष, सघोष, कंठ या मूर्धा। तो यहाँ पर आपका अघोष जो है सही आंसर होगा। अघोष का जो है पहला और दूसरा और सघोष का तीसरा, चौथा और पांचवा 345 है। कंठ जो है ये का वर्ग में आता है और मूर्धा, ये मूर्धा जो है टा वर्ग में आता है। तो आपका आंसर जो होगा अघोष सही होगा।
पांचवा क्वेश्चन है, शा वर्ण का निर्माण किन वर्णों से मिलकर हुआ है? तो इसमें जो है ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है क प्लस स, फिर है र प्लस आ, फिर है चा प्लस रा, फिर है जा प्लस वा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? का प्लस सा, रा प्लस आ, ता प्लस रा, जा प्लस वा। तो छ का निर्माण जो होता है का प्लस सा मिलकर के होता है, का प्लस सा सा। फिर अगला क्वेश्चन है, ऋण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसके लिए सूत्र है ऋटुर रसाणाम मूर्धा। तो जो ऋण है वो उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, मूर्धा। और कंठ में कावर के अंतर्गत आएगा, चावर्ग ताल में आएगा। कंठ का सूत्र होता है अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठा, आ से लेकर और विसर्ग भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर है ताल, इस वैसा नाम ताल। तो अंतस्थ में यार अलावा आएगा। तो ये आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पहला क्वेश्चन है, आ योग वा किन वर्णों को कहते हैं? अयोग वा किन वर्णों को कहते हैं? ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आ कामा ओ, बी ऑप्शन है अंग कामा आहा, असी आसन है का कामाखा, डी आसन है के कामा को। दूसरा क्वेश्चन है, अयोग वा नाम किस विद्वान ने दिया? तो ऑप्शन है नंदन, बी ऑप्शन है कामता प्रसाद, और सी ऑप्शन है किशोरी दास बाज
और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है नवीनतम व्यंजनों की श्रेणी में कौन से व्यंजन आते हैं? नवीनतम व्यंजनों की श्रेणी में कौन से व्यंजन आते हैं? ऑप्शन है, ये ऑप्शन है का मक्खा, बी ऑप्शन है सा का मात्रा, चौथा क्वेश्चन है सुनी सो निम क्या है? सुनिम क्या है? ऑप्शन है वर्ण है, या ध्वनि, दूसरा है अयोग का, और सी है मूर्धा, और डी है सभी। पांचवा क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन है या हुआ, बी ऑप्शन है का खा, और सी ऑप्शन है हम, और डी ऑप्शन है सही। छठा क्वेश्चन है आज स्वर की श्रेणी में कौन से वर्ण आते हैं? ऑप्शन है या कमावा, बी है मा कमला, सी है आ
कामाटा और डी ऑप्शन है पा हा। तो पहले इतना क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अयोगवा किन वर्णों को कहा जाता कहते हैं। तो अयोगवा किन वर्णों को कहते हैं, ऑप्शन है आ अमाउ, बी ऑप्शन है अंग अह, सी ऑप्शन है काका और डी ऑप्शन है ए ओ। तो पहले का आंसर सही होगा अंग अह, ये आपका आंसर सही है। इन्हें हम अयोगवा की श्रेणी में लाते हैं और नाम दिया गया है अयोगवा। इसका अर्थ होता है जिसका किसी के साथ योग न हो उसे अयोगवा कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन है अयोगवा नाम किस विद्वान ने दिया, अयोगवा नाम किस विद्वान ने दिया। तो पहला ऑप्शन है नंदन, दूसरा ऑप्शन है कामताप्सर और तीसरा ऑप्शन है किशोरीदास वाजपेयी, चौथा है कोई नहीं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा किशोरीदास वाजपेयी, ये आपका सही आंसर। तीसरा क्वेश्चन है नवीनतम व्यंजनों की श्रेणी में कौन से व्यंजन आते हैं, जो नए व्यंजन जोड़े गए उनकी श्रेणी में इनमें से कौन से आते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है क ख, बी ऑप्शन है छत्र, सी है लस और डी जो ऑप्शन है आपका वो है सभी। यहाँ पर आपका सही आंसर है छत्र, छ और त्र, ये नवीनतम व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं छ और त्र। तो कुल इनकी संख्या पांच है, छत्र ज्ञान ड और ढम, ये जो है कुल इनकी संख्या पांच। अगला है स्वनिम क्या है, स्वनिम क्या है। ऑप्शन पहला ए है वर्ण या ध्वनि, बी ऑप्शन है अयोगवा, सी ऑप्शन है मूर्धा और डी ऑप्शन है सभी। तो इसका सही आंसर होगा वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि। स्वनिम को हम वर्ण कह सकते हैं या ध्वनि, जो कोई भी वर्ण बोलते हैं तो ध्वनि निकलेगी और जो वर्ण बोलेंगे कोई भी ध्वनि निकलेगी तब कोई वर्ण होगा। तो वर्ण या ध्वनि हम उसका सही आंसर कर सकते हैं, स्वनिम क्या है वर्ण या ध्वनि। अगला क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है या वा और बी ऑप्शन है काका, सी ऑप्शन है अंगा, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा या कामा वा। तो ये अर्ध को या वा अंतस्थ की श्रेणी में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन हो रही है, लेटर है या व र ल, या र ल व, तो चार है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन में दिए गए या व अंतस्थ व्यंजन है। अगला है अर्ध स्वर की श्रेणी में कौन से वर्ण आते हैं। तो अर्ध श्रेणी में ए ऑप्शन है या व, बी ऑप्शन है मा और ला, सी ऑप्शन है आ कामटा, डी ऑप्शन है पा कामफा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा या हुआ होगा, इन्हें हम अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। तो ये आपके आंसर हो गए। अगले क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है च का
उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है कंठ, ऑप्शन है बी ताल, और सी ऑप्शन है मूर्धा, और डी ऑप्शन है गंध। सेकेंड क्वेश्चन है उष्ण व्यंजन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है स कमा स, बी ऑप्शन है ह कमा, यहाँ को हम यहाँ से करते हैं, बी ऑप्शन है का कमला, और सी ऑप्शन है या तीसरा क्वेश्चन है प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका, फिर दूसरा और डी ऑप्शन है, और डी आप ए बी डी ऑप्शन है चौथा क्वेश्चन है पार्श्विक वर्ण कौन सा है? पार्श्विक वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है का, डी ऑप्शन है ला, और सी ऑप्शन है ना, और डी ऑप्शन है आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव क्वेश्चन है पार्श्विक फिर आगत आगत वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है ए आ, बी ऑप्शन है आ, सी ऑप्शन है ओ, और डी ऑप्शन है ए।
छठा क्वेश्चन है, अरबी फारसी की श्रेणी में कौन से वर्ण आते हैं, कौन से वर्ण आते हैं। तो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ख ग ज, बी ऑप्शन है आ ओ ई, आ ओ ई, और सी ऑप्शन है न र, डी ऑप्शन है सभी। तो देखते हैं क्वेश्चन, पहला है च का उच्चारण स्थान क्या है। तो च का उच्चारण स्थान चा वर्ग के अंतर्गत आएंगे, तो इसका मैंने सूत्र भी बताया था, इस ऐसा नाम ताल। तो ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। फिर अगला है ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ऑप्शन है सा सा, फिर है काला, और सी है या और माम, डी है सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सा सा, जिसमें गर्म हवा निकलती है, ध्वनि निकलती है। तो ये सा 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 फुल तो ये होते हैं, सा भी आ जाएगा और हा भी आ जाएगा, तो ये श्रेणी में आते हैं सा सा सा, ये इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर है प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, प्रकंपित व्यंजन की श्रेणी में कौन सा आता है, तो ये आपका रा हो जाएगा, प्रकंपित व्यंजन की श्रेणी में रा। तो प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, रा। पार्श्विक वर्ण कौन सा है, पार्श्विक ऑप्शन है का, फिर है सेकंड ऑप्शन ला, सी ऑप्शन है ना, और डी ऑप्शन है आ। तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा ला, ये पार्श्विक वर्ण की श्रेणी में आता है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, पार्श्विक वर्ण कौन सा है, पार्श्विक अक्षर कौन सा है, पार्श्विक की श्रेणी में कौन सा लेटर आता है, तो ये ला है। अगला है पांचवा क्वेश्चन, आगत वर्ण कौन सा है, आगत अक्षर किसे कहा जाता है, तो आगत वर्ण कौन सा है, ए ऑप्शन है आ, बी ऑप्शन आ, सी ऑप्शन उ, और डी ऑप्शन ए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा आ, इसका प्रयोग किया जाता है काफी टॉफी, तो ऐसे इत्यादि शब्दों में इनका आगत, आगत मतलब बाहर से जो आ गया है, इस नाम से इसे आगत कहा गया है। इसका दूसरा नाम और दे सकते हैं, दिया गया है गृहित, गृहित भी इसको नाम दे सकते हैं, और तीसरा इसे विदेशी की श्रेणी में भी रख सकते हैं, क्योंकि बाहर का जो आया हुआ लेटर है उसे विदेशक की श्रेणी में या विदेशी। छठा क्वेश्चन है अरबी फारसी की श्रेणी में कौन से वर्ण आते हैं, अरबी फारसी, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा ख ग ज फ, फारसी की श्रेणी में आता है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा ख ग और ज। अगले क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है
संस्वान क्या है? संस्वान क्या है? ऑप्शन है ये समान ध्वनि, दूसरा है बी ऑप्शन है असमान ध्वनि और तीसरा है व्यंजन और चौथा है शरीर। सेकंड क्वेश्चन है अंग वर्ण को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है अनुस्वार और बी ऑप्शन है और बी और सी ऑप्शन है लुंठित, डी ऑप्शन है सही। संस्वान क्या है? इसे हम समान ध्वनि में रखेंगे, सही आंसर हो गया आपका। सेकंड है हम वर्ण जिस नाम से जानते हैं इसे हम अनुस्वार कहते हैं। इस प्रकार से आपकी ये वर्णमाला से प्रैक्टिस हो गई और अगला जो है चैप्टर समाप्त होगा, ऐसे ही अगला अभ्यास करा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।